बलिया में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या के समाधान को लेकर सर्व जनजाति एवं महिला कल्याण समिति की पदाधिकारी सविता तिवारी दर्जनों महिलाओं के साथ तहसील में पहुंची और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन एसडीएम की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार को सौंपा। सोशल वर्कर सविता तिवारी ने कहा कि बरसात के मौसम में हर साल तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव भीषण बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिसके चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन उस पर खड़ी फसल बाढ़ की लहरों में समा कर किसानों को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। इसके अलावा प्रदेश के इकलौते दुधवा टाइगर रिजर्व के वन्य जीव बाढ़ के चलते जंगलों से बाहर निकल आते हैं और उन्हें शिकारी अपना निवाला बना लेते हैं। सोशल वर्कर सविता तिवारी ने यह भी कहा कि अगर प्रदेश सरकार शारदा व सुहेली नदी में जमा सिल्ट की सफाई करा दे तो क्षेत्र को बाढ़ के कहर से मुक्त कराया जा सकता है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री से क्षेत्र की इस भीषण समस्या के समाधान की पुरजोर मांग की है। आज हमने योगी जी को, मुख्यमंत्री योगी जी को ज्ञापन दिया है एसडीएम के माध्यम से। एसडीएम जी थी रहे तो हमने नायब साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बाढ़ की है, जिससे लाखों लोग तो बेघर हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीनें चली जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये सहेली और शारदा, जिसमें जो बालू की सिल्ट है वो काफ़ी मात्रा में लगी हुई है। हम ये चाहते हैं कि अगर वो बालू वहाँ से सफाई करके जो भी तरीका अपनाया जाए, शासन करे, लेकिन अगर वहाँ से बालू की समस्या को हटा दिया जाए, गहराई में खुदाई कर दी जाए, तो बाढ़ की समस्या कम हो सकती है। और हम लोग इससे इतने ज़्यादा पीड़ित हैं, पूरी यहाँ की कई एक गांव हैं जो बेघर हो चुके हैं। जब बाढ़ आती है तो पूरे के पूरे खेतों में पानी भर जाता है, फसलों का नुकसान होता है, सड़कें कट जाती हैं। और चूँकि भाजपा सरकार में इस समय इस चीज़ के लिए बड़े बड़े वादे करे गए हैं, तो हम एक ये लेके चल रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पलिया क्षेत्र की बाढ़ की समस्या है, सबसे अहम है और इस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए।